वल्लभ नगर से नए विधायक प्रीति शक्तावत जी मेरे साथ है। मैम स्वागत है आपका ईटीवी में। एक नया जन समर्थन मिला है, क्या कहेंगे? धन्यवाद कपिल जी। जन समर्थन तो पहले से ही था, वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र परिवार हमेशा साथ खड़ा था, इसीलिए मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पूर्ण रूप से आशीर्वाद था, जितने प्रभारी यहाँ लगे हुए थे उन सबका पूर्ण सहयोग रहा, एक परिवार की तरह। गजेंद्र सिंह जी को, आपके ससुर को और अब आपको एक बेहतरीन जनादेश मिला है, आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? स्वर्गीय दाता हुकम गुलाब सिंह जी शक्तावत ने, जो 1952 से वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की नींव रखी थी, जो रथ उन्होंने चलाया था विकास के क्षेत्र में, अगर आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो एक एक ईंट उनके द्वारा रखी गई है। उसके पश्चात 2008 में विधानसभा क्षेत्र परिवार ने ये विश्वास स्वर्गीय हमारे विधायक हृदयराज स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी शक्तावत को पे जताया और सबने मिलकर आगे इस विकास रथ को बढ़ाया था। आपने कहा कि आपके जीवन में अर्धविराम हुआ है, लेकिन जनता ने आपका लगातार समर्थन किया, आपके 9 महीने तक आपका साथ जनता बनाए रखी, तो अब आप जनता को कैसे शुक्रिया अदा लौटाएंगे? कपिल जी, जनता तो है ही नहीं, मैं शुरू से कह रही हूँ मेरा परिवार है। स्वर्गीय शक्तावत साहब इतना विशाल परिवार मेरे लिए छोड़ के गए हैं, मेरे बड़े वरिष्ठ जितने भी पिता तुल्य, मेरे भाई समान युवा शक्ति है, पुत्र समान महिला शक्ति साथ है, हम सब मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। और शक्तावत साहब के जो सपने थे विधानसभा क्षेत्र को लेके और आगे भी जो नए विकास के आयाम हैं उन्हें हम पूर्ण रूप से करेंगे। कई बार मैम उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, लेकिन आप लगातार अड़िग रही, और अब अभी किस तरह से आप विकास के काम को करेंगे, कौन कौन सी वो प्राथमिकता रहेंगी जिन्हें आप पहले पूरा करेंगे? उतार चढ़ाव तो जीवन में नहीं आता, तो फिर आपको पता नहीं चलता जो आप फल खाने वाले हो कैसा है। स्वर्गीय दाता हुकम भी यही कहते थे और आपके हृदयराज स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब भी यही कहते थे कि अपने कर्म करो, अपनी लकीर को लंबा करो। तो मेरा भी यही रहेगा, उनके पचनों पर चलते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र परिवार के सहयोग से, उनके अनुभव से, क्योंकि मेरे लिए ये क्षेत्र नया है, मिलकर विकास करेंगे। वल्लभ नगर के इतिहास में पहली महिला MLA रही हैं, हुई हैं आप, तो क्या देखती हैं पूरे? सबसे पहले मेरा एक महिला के लिए प्राथमिक कार्य होंगे कि मेरे महिला शक्ति को मैं स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ूं, ताकि वो परिवार भी संभाल लें और अपना रोजगार भी ढूंढ लें। दूसरा, हमारे विधानसभा क्षेत्र में महिला स्नानागर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं जब ये मौत मरण हो जाते हैं तो उनको तालाब पे कुएं पे जाना पड़ता है, जो बहुत असहजता होती है, तो वो बनाना रहेगा। साथ ही मेरे किसान भाइयों को पट्टे दिलाने, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो ये कांग्रेस MLA प्रीति शक्तावत को आपने सुना, जिनका साफ कहना है कि जिन तरह से जनता ने जनादेश दिया है वे भी उसका शुक्रिया अदा करेंगी। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।